फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाली है और इंटरेस्टिंग के साथ साथ अमेजिंग भी होगी। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जैसे बहुत लोगों के मन में यह सवाल होते हैं, बहुत यूट्यूबर्स के मन में ये सवाल होते हैं कि अभी मैंने तो चैनल नया स्टार्ट किया है और उस पर ऐड आ रही है, तो क्या उस वीडियो पे जो ऐड आ रही है उस ऐड का पैसा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर वह पैसा आपको जनरेट होते होते जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो सारे ऐड का जो रेवेन्यू एक साथ ही आपको मिलेगा। बहुत सारे सवाल हैं, सारे सवालों का डाउट क्लियर करने के लिए मैं आपको यह वीडियो लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। तो आपको शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए हुए वीडियो पर बनाए रहना है और एक रिक्वेस्ट है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही घंटी के बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि किसी वीडियो पे अगर आपका 100 से ज़्यादा व्यूज़ आ गया है, ठीक है, जैसे आपने वीडियो अपलोड किया और आपका 100 से ज़्यादा व्यूज़ आ गया, जैसे एक सप्ताह हो या दो सप्ताह हो, ठीक है, जैसे ही उस पर 100 से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे लेकिन उस पर ना आपका 4000 वॉच आवर कम्प्लीट हुआ है ना 1000 सब्सक्राइबर आपका कम्प्लीट हुआ है, लेकिन तब पर भी आपके वीडियोज़ पर ऐड आ रही है, तो क्या उसका रेवेन्यू आपको मिलेगा? दोस्तों, इसका आंसर यह है कि उसका रेवेन्यू आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि YouTube जो है वो अपने ऐड को, वो आपके वीडियो को यूज़ कर रहे हैं ताकि आपका जो लोग, आपका जो सब्सक्राइबर है, आपका जो व्यूअर्स है, जैसे ही ऐड आएंगे ना तो आपके चैनल पर यह एक वेरीफाई हो जाएगा कि हाँ, जब आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए कंप्लीट हो जाएगा, मोनेटाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपके चैनल पे ऐड आएगा। यह एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। बहुत बार क्या होता है ना कि ज़्यादातर लोगों को यह चीज़ होती है कि लोग किसी के वीडियो कॉपी करके अपने चैनल पर अपलोड कर देते हैं और सोचते हैं कि जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो उस पर ऐड आएगी, ठीक है। तो यह वेरिफिकेशन जो आपके मन में जो डाउट रहती है वह यूट्यूब आपको सबसे पहले यहीं पे क्लियर कर देती है कि आपका कंटेंट सही है, आप जो वीडियो बना रहे हैं वो सही है, क्योंकि अगर वो सही है तभी आपके चैनल पर, आपके वीडियो पर ऐड आ रही है। जैसे कि वो आपका 100 व्यूज़ कंप्लीट होते हैं तभी आपके वीडियो पे ऐड आना शुरू होती है। तो यह चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि हाँ, आपने किसी का वीडियो यूज़ नहीं किया है, ना ही आपके वीडियोस पे कोई कॉपीराइट क्लेम आया है। अगर किसी वीडियो पे आपको कॉपीराइट क्लेम आ जाता है तो आप मान लीजिए कि जान भी लीजिए कि उस वीडियो पर आपको कॉपीराइट क्लेम लगा है, आपने कुछ ऐसा कंटेंट क्रिएट कर दिया जो कि जो ऐड कंपनी है उस वीडियो पे ऐड लगाना नहीं चाहती है। बहुत लोगों को होते हैं ना कि यह शिकायत होती है कि हमारे जो डॉलर साइन होते हैं कभी कभी येलो डॉलर आ जाते हैं, कभी कभी ग्रीन डॉलर आ जाते हैं। तो दोस्तों, येलो डॉलर ये होता है कि आपके वीडियो पर बहुत सारी कंपनी ऐड नहीं लगाना चाहते हैं, इसलिए येलो डॉलर आती है। तो ये कंफर्म हो जाएगा आपको कि हाँ, आपका वीडियो सही है, नीट एंड क्लीन है, यूट्यूब के कंपनी के क्राइटेरिया यानी उनके गाइडेंस के अंदर ही आप वीडियो बनाए हो, जैसे कि ना ही कोई वायलेंस, ना ही कोई सेक्सुअल वायलेंस, ना ही कोई एब्यूजिव चीज़, ना ही कोई नेगेटिव चीज़, तो आप एक कंफर्म हो जाइए अगर आपके वीडियो पे ऐड आती है। हाँ, मानती हूँ कि आपको रेवेन्यू का पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएंगी कि आपका जो वीडियो बनाए हो, आपने जो वीडियो बनाए हो वो करेक्ट बनाए हो, ठीक है। तो यह एक खुशी की बात है। तो अगर आपके वीडियो पे 100 व्यूज़ आ जाती है तो यूट्यूब खुद उस वीडियो को बहुत लोगों को रिकमेंड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और जब आपके वीडियो पे ऐड यूट्यूब जब डाल देता है ना, तो और भी लोगों को यूट्यूब आपका वीडियो रिकमेंड करते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका वीडियो पे, आपके चैनल पे सब्सक्राइबर भी गेन होगा, व्यूज़ भी गेन होगा, जैसे ही व्यूज़ गेन होगा वॉच आवर भी बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, तो आपका मोनेटाइजेशन का जो क्राइटेरिया है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये खुश तो हो जाइए एक चीज़ कि आपने जो स्टार्टिंग से जो मेहनत किया, कभी पहले क्या होता था ना, पहले अभी ये जो नया नया चैनल पे जो एड्स आ रही है इस पर क्या हो रही है ना कि आप कंफर्म हो जा रहे हो कि आपने जो काम कर रहे हो सही कर रहे हो, ठीक है। पहले क्या होती थी कुछ साल पहले कि आप सारा साल मेहनत कर रहे हो, करते जा रहे हो, फाइनली जब 1 ईयर कंप्लीट होने वाली है तब आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम एंड 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया, उसके बाद आप जब मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किए तब आपका चैनल
मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं हुआ, यूट्यूब आपका चैनल को रिजेक्ट कर दिया, आपके मोनेटाइजेशन को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो काफ़ी उस टाइम बुरा लगता है कि एक साल तक मैंने मेहनत किया, यूट्यूब मेरे मोनेटाइजेशन को अप्रूवल नहीं दिए, ठीक है। तो ये जो डाउट रहता है ना सारे साल मेहनत करने का, वो डाउट अब नहीं रहेगा। जैसे कि आप नोटिस करोगे कि अब अपने नया नया चैनल स्टार्ट किया, विद इन वन वीक में या विद इन टू वीक में उस किसी भी वीडियो पर आपका 100 से ज़्यादा व्यूज़ आ गया है और उस पर आपका एड चलना शुरू हो गया है, तो आप समझ जाओ आपका जो वीडियो है वो सही है। और जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करोगे वो डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा विद इन 24 घंटे के अंदर, ठीक है। तो हालांकि दोस्तों ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, क्योंकि यह चीज़ मैं खुद नोटिस की हूँ, मेरे साथ खुद यह चीज़ हुई है, तो इसलिए। तो आप देख सकते हैं कि यह देखिए यहाँ पे मेरा ऐड चलना शुरू हो गया है, ठीक है। ये जो यस आई कैन है ये एक मेरा चैनल है, और यस आई एम अ पावर भी मेरा एक चैनल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये ऐड आना शुरू हो गया। अब मैं बोलूँगा कि नहीं 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 मुझे क्या करना कि इस ऐड के रेवेन्यू मेरे को दो, नहीं। लेकिन मैं कन्फर्म हूँ कि यह वीडियो पर मेरा ऐड चल रहा है, और जब मेरा चैनल मोनेटाइजेशन हो जाएगा तो उसके बाद मोनेटाइजेशन होने के बाद जब भी मेरे वीडियो पे ऐड आएगी तो मुझे वो रेवेन्यू मिलेगी। जब तक आपका चैनल मोनेटाइजेशन नहीं होता तब तक रेवेन्यू आपको नहीं मिलेगी। लेकिन एक कन्फर्म है, आपका चैनल सही है, आपका वीडियो सही है, आपका कंटेंट सही है और आप सही हो, तो बस मेहनत से काम करो और लगन से काम करो और कॉन्फिडेंस तो बनी गई। यूट्यूब तो एक साइन तो दिखा दिया कि आपका जो कंटेंट है बेस्ट है, एक्सेलेंट है, बहुत सारे कंपनी आपके वीडियोस पे ऐड लगाना चाहते हैं, ठीक है। यह एक कन्फर्मेशन कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको समझ में आया फाइनली कि फंडा क्या है, ठीक है। कभी कभी लालच के तौर पे ना आप ये मत सोचो यार पैसा नहीं मिल रहा है, ऐड चल रहा है, लेकिन ठीक है आपका जो सारा साल का जो डाउट है वो तुरंत कुछ ही शब्दों में आपका क्लियर हो जाएगा कि आपका चैनल कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको अच्छा लगा है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, साथ ही घंटी के बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिए, वीडियो एंड होने के बाद हमारे चैनल का लिंक अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसी तरह अमेजिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और हाँ, कोई भी चीज़ पे अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगी कि उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने की, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक ले टेक केयर एंड बाय बाय। और एक रिक्वेस्ट आप सभी से कि मेरा दोनों चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जाके वहाँ से आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। यस आई कैन एंड या आई एम अ पावर, ठीक है। दो चैनल है, जरूर से सब्सक्राइब कर दे। नेक्स्ट लेवल को तो सब्सक्राइब करना ही करना है, क्योंकि इस पर आपको नॉलेज भरी वीडियो मिलेगी, डाउट जो आपके रहती है वो क्लियर हो गए यहाँ पे। तो बाय एंड टेक केयर।